हेलो गाइस, मैं प्रियंका हूँ और मेरे क्वेश्चन आंसर सेगमेंट में अभी मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है और मैं आउट ऑफ माय जो मेरा प्रॉमिस्ड वीडियो था आपको वो मैं अब नेक्स्ट पोस्ट करूँगी. लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, आई थिंक दिस गर्ल रियली नीड माय हेल्प. तो चलो जल्दी से ये क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ मैं आपको. तो मेरा जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज वाला जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, तो उस पर ये कमेंट किया था इन्होंने, यू सेड वेरी वेल मैम, बट आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू मैम. आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड आई एम सो वरिड दैट हमें हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है, शादी करनी है, बट मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे. वो लोग लव मैरिज के खिलाफ नहीं हैं, बट मेरे पार्टनर के पेरेंट्स आउट ऑफ कास्ट के बिल्कुल खिलाफ हैं. मैम, समझ नहीं आ रहा कि शैल वी सेपरेट. बट हमने बहुत कोशिश की, हम एक दूसरे से अलग हो नहीं पाते हैं. मैम प्लीज़ टेल योर ओपिनियन. तो मैंने इनको आंसर किया, जिसके जवाब में उन्होंने लिखा, आई वॉन्ट टू हग यू मैम, आई एम हियरिंग, या आई रोट टू हर दैट यू नो गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. सो शी रोट, आई वॉन्ट टू हग यू, आई लव हियरिंग दिस दैट गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन. थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक. आस्क योर सेल्फ द राइट क्वेश्चन फर्स्ट एंड आस्क योर सेल्फ द हार्ड क्वेश्चन. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें जहाँ पे हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स के खिलाफ जाओ या फिर उनका दिल तोड़ो, है कि नहीं. तो इस सिचुएशन में आपको अपने आप से हार्ड क्वेश्चंस पूछने हैं कि आगे चल के अगर आप, एक तो दोनों सिनेरियो ले लो, ठीक है, एक पेपर पे दोनों लिख लो कि अगर पेरेंट्स की मर्जी से हम जाते हैं और उनकी मर्जी से शादी करते हैं तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और अगर हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं तो उसके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स है. जब आप लिखोगे ना, तो अगेन आपका जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से अनस्क्रैम्बल करके सब चीज़ें आपको पेपर पे दिखा देगा. नाउ यू हैव ऑल द थिंग्स इन योर हैंड कि आप वे इन कर सकते हो आप कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, किन चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और किन चीज़ों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. Maybe it's, you know, being without your parents, क्योंकि आपने उनके शायद मर्जी के खिलाफ जाके शादी की तो अब शायद वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं. Will you be able to, you know, live with that? Are you really, really confirm and true in your heart? आपको 100% पता है कि ये बंदा जो है जिससे आप शादी करने जा रहे हो, he's the right person. He is going to stand by you no matter what. This person respects you to the hilt. सारी दुनिया एक तरफ, ये बंदा आपके बगल से हटेगा नहीं और ये मेहनती है, कुछ भी कर जाएगा मगर आपको खुश रखे. It doesn't matter कि आप खुद सर्विस करते हो, आप खुद पढ़ी लिखी हो, you will do your own thing. मगर if a need arises in future, क्या ये बंदा वहाँ पे रहेगा आपके पास किसी भी सिचुएशन में? अगर आपको 100% ये गारंटी है कि ही इज द गाय, तो बस फिर तो आप शादी करो. लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, उस डाउट को पूरी तरह से निरीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है अगर आप अपने पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स के खिलाफ जाने का सोचते हैं. तो बेटर ये है, अगर कुछ भी इस तरह के मतभेद हैं, पहले तो उनसे पूछ लीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं पेरेंट्स से. अगर वो बताएं कि ठीक है, आपके कास्ट में प्रॉब्लम है और हम इसीलिए आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आपको उनसे पूछना चाहिए कि किन चीज़ों से प्रॉब्लम है. आई विल बी एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, यू एक्सेप्ट माइन, एंड आई एम गोइंग टू बी देयर इन योर फैमिली. मैं आपकी फैमिली का हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ, तो और मैं पूरा पूरा प्यार, पूरा पूरा मैं आदर जो है, सम्मान जो है, मैं आपको दूंगी. और ये तो अननेगोशिएबल होता है ना. आप इतना अच्छा कमिटमेंट अपना उनके सामने रखिए और सच्चा रखिए. हाँ, क्योंकि दिल में सच्चाई होगी ना तो वो आंखों पे नजर आएगी. तो आप सच्चाई के साथ उनके सामने ये बोलेंगे तो मे भी उनका दिल पिघल जाए, है कि नहीं. आप खुद जाके बात करिए और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं कि मे बी कास्ट के कारण आप लोगों में अच्छा नहीं बनेगा या फिर समथिंग दे आर अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट, बात करो.
उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ नाम में प्रॉब्लम है कास्ट की, या मैं फिर किस तरह से आचरण करूंगी आपके घर में, ये प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं आपको पूरी तरह से संतुष्टि देती हूँ कि मैं हर चीज जो आप बोलेंगे वैसा फॉलो करूंगी, मगर मुझे भी उतना ही रिस्पेक्ट चाहिए एज अ डॉटर इन लॉ। वो बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को पहले ही स्टेप पे क्लियर करिए कि मैं आपकी भरपूर रिस्पेक्ट करूंगी, बट यू नीड टू रिस्पेक्ट मी ऑल्सो। अगर वो ये गारंटी देते हैं, गो अहेड विद इट, व्हाई नॉट। आजकल दकियानूसी ख्याल, और यू नो, थोड़ा सा हमको आर्टिकुलेट होना चाहिए, थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी चीजों को लेके। अगर हमें 100% ये गारंटी है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट माई लाइफ, अगर आपको ये पता है और आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो और दूसरा भी आपको सपोर्ट कर सकता है अपने अलावा, इट गोज बोथ वेज। इट डजंट मैटर कि आप जॉब करते हो नहीं करते हो, लेकिन दोनों में से एक जन जो है वो इतना कमिटेड हो आपके रिलेशनशिप में जो कि आपको संभाल ले, ये बहुत जरूरी है। आई होप आपको अपना जवाब मिला होगा और आप एक राइट डिसीजन लें। आई रियली होप वेल फॉर यू एंड गॉड ब्लेस, बेस्ट ऑफ लक। मुझे जरूर बताना कि फाइनली क्या हुआ, क्या कुछ बात बनी, भगवान करे बन जाए। हम लोग बहुत खुश होंगे, जो बाकी लोग देख रहे हैं आई थिंक वो भी बहुत खुश होंगे ये सुन के कि आपकी शादी तय हो गई और सब लोग इस सहमति से होगी। और अगर नहीं भी होती है, जो भी डिसीजन आप लोगे, आई एम श्योर कि आप एक लेवल हेड के साथ लोगे। जो भी डिसीजन आप लोगे, आई होप कि आप हार्ड डिसीजंस जो हैं, हार्ड डिसीजंस को पूरी तरह से वे इन करके कि आपकी आगे की आने वाली जिंदगी में ये डिसीजंस जो हैं कहीं आपके ऊपर हावी तो नहीं होंगे, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी होती है, करेक्ट, और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो यू शुड बी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। और उसके बाद में अगर आपने ले लिया है डिसीजन, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने को हमें ही तैयार रहना है, उस समय हमको हटना नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं तो ये हमारे डिसीजन के कारण हुए हैं। उस समय फिर ना तो हमें अपने ऊपर गुस्सा करना है, ना किसी और के ऊपर गुस्सा करना है, बिकॉज हमने सब जानते बूझते डिसीजन लिए हैं, करेक्ट। तो वे इन प्रॉपरली, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने हैं। सो यू नीड टू नो वॉट यू आर डूइंग, वॉट डिसीजन यू आर टेकिंग। चलिए, आई होप बाकी लोग भी जिनको शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बातों से थोड़ा सा शायद हेल्प मिल जाए। अगर मिलती है तो मुझे ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ भेजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह से बात करना, और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सबको, एंड जल्दी ही मिलेंगे। अच्छा, नमस्ते।